नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। अभी हाल ही में इस्लामिक आतंकवाद को लेकर सुर्खियों का हिस्सा रहे फ्रांस एक बार फिर चर्चा में है देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। लेकिन इस बार मुसलमानों के खिलाफ दिए बयान को लेकर नहीं, बल्कि कोरोना की चपेट में आने की वजह से। जी हाँ, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गुरुवार को राष्ट्रपति के ऑफिस से बयान जारी किया गया। बताया गया कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं और इसी के चलते मैक्रों कम से कम अगले 7 दिन तक खुद को आइसोलेट करेंगे ही, लेकिन आइसोलेशन में रहते हुए भी अपना काम नहीं छोड़ेंगे, बल्कि काम तो करते रहेंगे। फ्रांस में महामारी अभी भी अपने पैर पसार रही है। यहाँ कोरोना के 24 लाख से ज्यादा केसेस हैं, जिनमें से 59,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी हाल ही में मैक्रों ने वैक्सीन पर बात की थी, पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की गई थी। दोनों नेताओं ने कोरोना वैक्सीन, महामारी के संकट के बाद के आर्थिक सुधार, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग, समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग और जलवायु परिवर्तन में सुधार लाने के मुद्दों पर लंबी चर्चा की थी और उसके बाद अब वो खुद कोरोना की चपेट में आ गए हैं। डर वाली बात यह है कि राष्ट्रपति ने बुधवार को ही पुर्तगाल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। पुर्तगाल के अधिकारियों की इस पर अभी तक कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है, लेकिन बुधवार को सरकार के साप्ताहिक कैबिनेट बैठक भी की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री कैस्टेक्स और अन्य मंत्री मौजूद थे। कैस्टेक्स के ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री 7 दिन के लिए पृथकवास में चले गए हैं। राष्ट्रपति आवास से कहा गया है कि मैक्रों की अगले हफ्ते होने वाली लेबनान की यात्रा को रद्द कर दिया गया है। अब देखते हैं कि आगे मैक्रों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आखिर कब तक नेगेटिव नहीं आती। आपको बता दें, फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ये सभी नेता कोरोना की चपेट में आकर ठीक हो गए हैं और अब समय के बीतने के साथ मैक्रों के ठीक होने का इंतजार है। फिलहाल आप मैक्रों की तबीयत को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।